नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात के एक नए एपिसोड को लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे देश में कृषि क्षेत्र में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको लेकर के। असल में देखिए, हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। 60 के दशक में हमारा देश खाद्यान्न के लिए भी आयात के ऊपर निर्भर था। हम लोगों को बाहर से, जैसे कहते हैं, शिप टू माउथ वाली स्थिति हमारे देश में थी। उस संकट से निकलने के लिए देश में एक बड़ी पहल की गई हरित क्रांति की, जिसमें हमने बेहतर जो बीज है वो अमेरिका और मैक्सिको से हमारे यहाँ आए, और उसमें हमें काफी सारी मदद वेस्टर्न कंट्रीज से मिली, और उसका पूरा फोकस हमने रखा। जो हमारा जो पश्चिमोत्तर जो हिस्सा है देश का, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, क्योंकि यहाँ तमाम सारी ऐसी परिस्थिति मौजूद थी कि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, लेकिन उसके चलते कि कहीं ना कहीं देश का जो पूर्वी हिस्सा है वो पीछे छूट गया कृषि उत्पादकता के मामले में, कृषि क्षेत्र की बेहतरी के मामले में। तो ये जो असंतुलन पैदा हुआ, इसको दूर करने के लिए अब सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत उसके लिए काम करना होगा। तो कई सारे सवाल भी हैं ऐसे जो इस मसले पर हमारे सबके सामने हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर टी हक, जो कृषि क्षेत्र के एक बड़ा नाम है, जाने माने अर्थविद हैं और तमाम सारी नीतियों के ऊपर उनकी छाप रहती है। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पीके जोशी। पीके जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं और उनका काफी काम है इस मसले के ऊपर, जिसपे हम लोग आज बात करेंगे। हम अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। साठ के दशक की बड़ी बातों में से एक थी हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत साल 1966 से 67 के बीच में हुई। हरित क्रांति की वजह से खेती में तकनीकी सुधार हुए, बीजों की गुणवत्ता में कई बदलाव हुए, और इस तरह से खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। हालांकि इस क्रांति का केंद्र देश का उत्तर पश्चिमी हिस्सा यानी कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य बने, और उस दौरान इस क्रांति से पूर्वी भारत जैसे अलग थलग छूट गया। अब इसी पूर्वी भारत को खेती की मुख्य धारा में लाने के लिए और हरित क्रांति के रास्ते पर बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से साल 2010 से साल 2011 में BGREI यानी पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की योजना को लॉन्च किया गया, जिससे कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी खेती को फायदेमंद बनाया जा सके। क्योंकि खेती के हिसाब से पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में काफी फर्क है। हरियाणा और पंजाब के मुकाबले बिहार में धान से उत्पादकता पर मुनाफा 5 से 7 गुना कम है। उत्तर पश्चिमी भारत के मुकाबले पूर्वी भारत में उपज पर मुनाफा कम है। बिहार में धान की औसत उपज 2.5 टन प्रति हेक्टेयर है, तो वही हरियाणा में धान की औसत उपज 5 टन प्रति हेक्टेयर है। बात पंजाब की करें तो वहां धान की औसत उपज 6 टन प्रति हेक्टेयर है। देश के पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाए जाने की योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन क्या इसे जमीन पर व्यवहारिकता से उतारना इतना आसान है? IFPRI का सर्वे बताता है कि अभी भी पूर्वी राज्यों में खेती में पुराने तरीकों और बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। सर्वे ये भी कहता है कि बिना सिंचाई के विकास और इंटीग्रेटेड तकनीक के ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। मुद्दे और भी हैं, लेकिन मूल सवाल वही है, क्या आधी अधूरी प्लानिंग और नीतिगत बदलाव से दूसरी हरित क्रांति मुमकिन है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अक्सर मैं इस मसले पर पहले आप ही से सवाल करूंगा, क्योंकि आपने कई सारे रिसर्च पेपर भी लिखे जो
रीजनल इम्बैलेंस या क्षेत्रीय असंतुलन जिसे हम कहते हैं कि देश का एक हिस्सा तो खेती में काफी आगे बढ़ा, वहाँ के किसान संपन्न भी हुए, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा हमारा देश का वो इस तरक्की की राह में पीछे छूट गया। वहाँ गरीबी भी है, किसान की वित्तीय हालत बहुत खराब है और उस इलाके में भी उस तरीके से तरक्की नहीं आ पाई। तो इसके पीछे क्या वजह रही है? क्योंकि हरित क्रांति हमारे देश के लिए जरूरी थी, वो हमने हासिल की, हमने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। इस वक्त हमारे जो सेंट्रल पूल में जो स्टॉक है वो रिकॉर्ड पर है, लेकिन इसके चलते कई तरीके के जो जैसे मैं जिक्र भी कर रहा हूँ असंतुलन जो पैदा हुआ, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, असंतुलन का जो सवाल है ये हमारी पुरानी बीमारी है जी। सरकार ने कई बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में भी कहा कि इसको हमें दूर करना चाहिए, करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। आपने अब पहले ही एक्चुअली मुझे याद है 1980s में जी जोशी साहब और मैंने पहला जॉइंट पेपर लिखा था, उसका टाइटल ही था रीजनल डिस्पेरिटीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। अच्छा, उसका क्या कारण है, कैसे है? तो वो तो हमने एनालाइज किया ही था कि बेसिकली हुआ क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन उस को अचीव करने के लिए फोकस ये था कि जहां इरिगेशन फैसिलिटीज ऑलरेडी है या कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप्ड है थोड़ा, तो वहीं पे फोकस करके जल्दी से उसका रिजल्ट मिले। और जल्दी से रिजल्ट मिला भी, अर्ली 70s तक हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशियंट हो गए, तो उसकी जरूरत थी उस टाइम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ हमारे हुआ क्या है कि दूसरे एरिया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक था नहीं और प्रॉब्लम्स और भी अलग तरह का थे। देखिए, रीजनल इम्बेलेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत यह है कि हर एक रीजन का जो रिसोर्स एंडोमेंट्स है, पोटेंशियल्स है या कॉन्स्टेंट्स है, रिसोर्स बेस है, वो अलग अलग है, और उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप वहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ ला नहीं सकते। ये जोशी जी, ये जैसे अक्षर साहब कह रहे हैं कि हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल की, खाद्य सुरक्षा हासिल की, मैं कहूंगा ये ऐसा तो नहीं कि कहीं हमने एक जो लक्ष्य था उसको हासिल करने के लिए ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है ये उसका बाई प्रोडक्ट है, उसके चलते जो है एक इलाका बहुत पीछे छूट गया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी इस पे काम किया और जैसे अभी अक्षर साहब ने जिक्र किया कि आप लोगों का एक ज्वाइंट पेपर 80s में ही आया, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों ही चीजें हैं। एक तो जो अभी डॉक्टर हक साहब ने कहा कि हमारी प्रायोरिटीज यही रही कि हमको देश का खाद्यान्न बढ़ाना है, और उसके लिए हमने उन एरियाज में फोकस किया जहां पे बड़ा हाई पोटेंशियल था, जैसे धान और गेहूं हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय 1960s के आसपास, बहुत कमी थी, हम वीट का इम्पोर्ट करते थे, तो इसलिए उस समय जो फोकस था वो उन एरियाज में हुआ जहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी को हम एकदम से बढ़ा सकते थे। एक तो ये रीजन था और उस समय ये बहुत जरूरी भी था, लेकिन जो रीजनल इम्बेलेंसेज के कारण है वो कई तरह से होते हैं ना। इसमें मैं सोचता हूँ जैसे इसको मैं चार हिस्सों में बांट सकता हूँ, जैसे उस जगह का जो है एग्रो इकोलॉजी कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है। मान लीजिए जैसे राजस्थान है, वहां की मिट्टी बिल्कुल अलग तरह की है, पंजाब की मिट्टी अलग तरह की है, बिहार और आंध्र प्रदेश की अलग अलग तरह की है, तो इनमें जो है ना क्रॉप की जो पोटेंशियल होती है एक ही क्रॉप की वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है। अगर सेम क्रॉप को आप पंजाब में उगाते हैं और उसको राजस्थान में उगाते हैं तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल फर्क होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि उस रीजन में ये जो मिट्टी है उसके हिसाब से हमें अपना फसल चक्र को बनाना है। दूसरा, वहां की बरसात है, रेनफॉल, बरसात कितनी है, कहीं बहुत ज्यादा रेनफॉल है, कहीं बहुत कम रेनफॉल है। अच्छा, तीसरा क्या है, इरिगेटेड एरियाज हैं, कहीं हमने इरिगेशन पे बहुत फोकस किया, कहीं पे बिल्कुल नहीं किया, रेनफेड एरिया रह गई और इरिगेशन में ज्यादा ध्यान दे दिया है। अब ये भी है, दूसरा जो मेन है, रिस्क कितना है एग्रीकल्चर में। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां बहुत रिस्क कम है, कई एरियाज हैं जहां रिस्क बहुत ज्यादा है, जैसे ड्राउट है, सूखा पड़ जाता है, तो कई एरियाज हैं जहां पे हमारे पास अच्छा इरिगेशन है, पानी है, नदियां हैं, सरफेस इरिगेशन है, ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है, वहां सूखा पड़ भी जाता है तो हम इरिगेट कर लेते हैं। लेकिन कई एरियाज ऐसे हैं जहां जो हमारी नदियां हैं, कैनाल हैं, वो बरसात पे डिपेंड करती हैं, तो सूखा पड़ जाना है, फ्लड आ जाते हैं बहुत ज्यादा, जैसे आपका ईस्टर्न इंडिया है, अक्सर फ्लड और ड्राउट से जूझते रहते हैं। अब आप कितना ही इन्वेस्टमेंट हम वहां कर देते हैं, कितनी स्कीम ले आते हैं, जब तक हमें ड्राउट और फ्लड की समस्या को वहां ठीक नहीं करेंगे तब तक वहां का विकास नहीं हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन एक नया इशू आ रहा है, उसमें हम
इसलिए हम लोग ये इसमें हमने कामयाब हो सकते हैं। फिर अभी भी जैसे डॉक्टर हक साहब कह रहे थे कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कितना ध्यान दिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बाकी चीजों में बहुत ध्यान दिया, लेकिन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जैसे है रूरल रोड्स हैं और रूरल मार्केट्स हैं, इरिगेशन पे है, सरफेस इरिगेशन, ग्राउंड वाटर इरिगेशन, इस पे कितना ध्यान दिया है। तो इन सब बातों को अगर हम मिला के देखते हैं तो मुझे जो लग रहा है कि इसमें चार स्तंभ हैं जिसमें हम जिसकी वजह से रीजनल डिस्पेरिटीज हमारी घटी हैं और बढ़ी हैं। तो उसमें जिस स्टेट ने या जिस रीजन ने उन सारे स्तंभों को इस्तेमाल ठीक तरह से किया तो वहां पे उनका विकास हुआ है। तो ये स्तंभ मेरे हिसाब से जो है नंबर वन तो है उन्होंने वो जो तकनीकी है, नई नई तकनीकियां आई हैं और नए टेक्नोलॉजीज आई हैं हर तरह से, चाहे वेराइटीज हैं, हाइल्डिंग वेराइटीज है, हाइब्रिड्स हैं, या आपका जो है इरिगेशन मैनेजमेंट है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है। तो ये जो तकनीकी नई नई तकनीकी आई है वो किस तरह से चेंज होती जा रही है, यूज होती रही है किसान के क्षेत्र में। ठीक, दूसरा जो सरकार की पॉलिसीज क्या है, सरकार की पॉलिसी देखिए हम मैं आपको जस्ट एक मिनट में पूरा करता हूँ। जो सरकार की पॉलिसी रही वो 60 से अब तक जो है लगभग वही पॉलिसी चली है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनमें आया है, लेकिन हमारी पॉलिसीज अभी भी इस तरह की पॉलिसीज हैं जो फूड इनसिक्योरिटी वाली हैं। जब हम फूड इनसिक्योर थे उस समय जो पॉलिसी हमारी थी वही पॉलिसी अभी तक चल रही है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या प्रोक्योरमेंट है, उस समय बहुत जरूरी थी। लेकिन आज अब हम उससे क्या हो गया, राइस एंड व्हीट में ही कंसंट्रेट हो गए और राइस व्हीट में सबसे ज्यादा एफर्ट्स होने लगा। जो स्टेट या जो रीजन राइस व्हीट लगाते हैं उनको तो फायदा हुआ, वो आगे बढ़ने लगे, बाकी स्टेट सब जो है ना धीरे 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 पीछे होने लगे। ये साहब जैसे जोशी जी कह रहे हैं कि एक तो पॉलिसीज में हमने कोई डायनेमिक अप्रोच नहीं रखी, जो हम 60-70 के दशक में जो शुरू किया उसी को हम लोग 2020 में भी लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो समय के साथ बदलाव देखना चाहिए था और ये असंतुलन को कम करने का जो प्रक्रिया काफी पहले शुरू होनी चाहिए थी उसके ऊपर हमारी नीतिगत फोकस नहीं रहा। दूसरे जैसे ये भी है आपका के उसी हिसाब से जब पॉलिसी में फोकस नहीं चेंज हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो हमारे जो ईस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं, जो पूर्वी हिस्सा है हमारे देश का, तमाम सारी पोटेंशियल वहां रही होंगी लेकिन उनको हमने न तो रिसोर्स रिच किया न इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया। वहां का जो किसान था वो भी खुद में इतना सक्षम नहीं था कि वो खुद का अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर सके। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, इसमें जो हमने मिस किया कहीं? जी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज दोनों में ही जो रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिसके चलते जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हर एक रीजन का पोटेंशियल और कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है और उस पर जब फोकस आप नहीं करेंगे तो जनरल वे में अगर पैन इंडिया सोल्यूशन ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं उसका, क्योंकि हर एक रीजन का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अब जैसे बिहार का ही ले लीजिए, बिहार का एग्जाम्पल है कि करीब करीब 50% एरिया जो है फ्लड प्रोन या ड्रॉट प्रोन है। वहां फ्लड प्रोन ड्रॉट प्रोन के लिए कोई आपके पास अगर कोई अच्छा टेक्नोलॉजी है कि फ्लड प्रोन एरियाज में भी आप अच्छे उगा सकते हैं कोई फसल, फेडी का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया में कुछ अच्छा मेज की वैरायटी हो जिसको अच्छा से उगा के आप अच्छा फसल ले सकते हैं, तो उस पर फोकस होनी चाहिए थी। फोकस है, अभी थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन जितना अच्छा मार्केट, अब मार्केट पे जनरली आप मार्केट रिफॉर्म्स कह के बात छोड़ देते हैं। अब बिहार जैसे स्टेट में तो मार्केटिंग सोसाइटी जो अगर एक्ट था उसको एबोलिश कर दिया, कई साल हो गया 2006 में मेरे ख्याल से, और अभी तक उसका कोई ये नहीं है और सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अब मार्केट के नाम से वहां केवास है। तो आपको डेवलपमेंट के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केट चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड करके, वहां क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस नेग्लिजिबल है। पूरे एरियाज में पूरा देश का सिर्फ 10% इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो एक्सेस करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन है। फिर दूसरा है इंश्योरेंस, वहां इतना हाई रिस्क एरियाज है, वहां इंश्योरेंस पे ही फोकस करनी चाहिए। पंजाब के फार्मर्स को इंश्योरेंस के बेनिफिट नहीं चाहिए, दे डोंट नीड इट, और वो कहते भी है कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इरीगेटेड ये है, प्राइस सपोर्ट भी है। दो मेन रिस्क होता है, एक तो कि पानी का होना और वेदर फैक्टर ठीक हो, पानी हो और आपका फसल का अच्छा दाम हो,
तो पंजाब के फार्मर्स को, हरियाणा के फार्मर्स को दोनों चीज मिल जाते हैं, इसीलिए वो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है। दे डोंट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, लेकिन बिहार के फार्मर्स को इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो जब इसी तरह से छोटे छोटे फार्मर्स है, उनको जब ऑर्गेनाइज करके प्रोड्यूसर्स ग्रुप्स बना के, कोऑपरेटिव बना के, ऑटोनोमस कोऑपरेटिव, ये नहीं गवर्नमेंट रन कोऑपरेटिव जो काम नहीं करता, तो इस तरह से करके अगर जब तक आप उसको एम्पावरमेंट नहीं देंगे कि वो मार्केट में पार्टिसिपेट करे, उसका फायदा उठाए, तो ये सारे फिर चीजें रह जाती। इसलिए पांच छह बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, मार्केट का डेवलप्ड मार्केट पे एक्सेस होना, बेसिक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टोरेज फैसिलिटीज या प्रोक्योरमेंट सेंटर्स वगैरह होना, ये होना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। अभी जो किया भी है सरकार ने कि भाई स्टार्टअप्स वगैरह के लिए छोटे छोटे लेवल पे 2 करोड़ लोगों को देके आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराइए, 1 लाख करोड़ का, इट इज ह्यूज अमाउंट, इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। लेकिन मेरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे, ये छोटे छोटे प्लेयर्स से मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है छोटे प्लेयर्स के पास। स्मॉल फार्मर्स को एक ग्रुप भी बना दे, इवन देन दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, दे मस्ट बी लिंक्ड विद सम बड़े जो प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, चाहे प्रोसेसिंग सेक्टर में है, चाहे एक्सपोर्ट सेक्टर में है, चाहे लोकल लेवल पे मार्केट डेवलप करने वाले हैं, किसी न किसी के साथ उनको लिंक करके फिर इस तरह के इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो होगा। और इन्वेस्टमेंट होगा कहां से? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो तब होता है जब क्रेडिट फैसिलिटीज आप दीजिए। तो जैसे मैंने कहा, ईस्टर्न इंडिया में ना फार्मर्स को, ना फार्म एंटरप्रेन्योर्स को, और ना जो आपके ट्रेडर्स एंड डीलर्स है फार्मर्स फार्म सेक्टर में, उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। जोशी जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अक्सर आपसे कि कई चीजें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट है, ये सारी चीजें एक बड़ी वजह रही है कि इनकी खामियों के चलते जो पूर्वी हिस्सा है उसमें किसान तरक्की नहीं कर पाया और हम उत्पादन नहीं वहां पर ले पाए। आपने खुद हाल ही में रिसर्च पेपर में लिखा है कि प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है पंजाब की प्रोडक्टिविटी और आपके जो बिहार है या ईस्टर्न यूपी है या असम है या बाकी जो हिस्से, एक थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी का जो वेरिएशन है इस पर थोड़ा बताएंगे आप, और ये बाकी जो चीजें साहब ने उठाई हैं उनका क्या महत्व है? ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है ये बेसिकली जो एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसकी वजह से है। पंजाब हरियाणा में हर तीसरे साल पे नई वैरायटी, जो लेटेस्ट वैरायटी है वो वहां पे अडॉप्ट हो जाती है, हर तीसरे साल में किसान वहां की वैरायटी, नई वैरायटी ले लेते हैं। लेकिन जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है एक तो वो बहुत कम है और एडॉप्शन ऑफ जो है इम्प्रूव वैरायटी वो बहुत ही कम है। अभी भी किसान वहां पे, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं वो वहां पे अभी हमारी 1970-1980 वाली वैरायटी ही लगा रहे हैं। तो या तो सीड एक्सेस नहीं हो रहा है किसान को, या उनको पता नहीं है कौन सी अच्छी वैरायटी है जिसको लगा के वो लोग अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी डिफरेंस है। दूसरा जो मैं आपको कारण बता रहा था, उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर एस आर सेन कमेटी बनी थी सबसे शुरू में 1970 के दशक में, उसमें जो भी पॉइंट थे लिखे थे उन्होंने, क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इतने सालों के बाद भी वही प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं। अब आप देखते हैं हर साल ड्राउट होता है और हर साल फ्लड आता है उन्हीं एरियाज में। अगर जो चीज बार बार हो रही है, अगर वो चीज अगर हर साल हो रही है वही चीज, इसका मतलब है हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम थोड़े दिन उसमें परेशान होते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर अगले साल का इंतजार करते हैं। तो ये जो है ना, हमें ऐसे हैवी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, एरियाज को ड्राउट प्रून बनाने पड़ेंगे, जो ये अपने फ्लड प्रून बनाने पड़ेंगे, उनके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें ड्राउट को, फ्लड को, जो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की एरिया है। और दूसरा जो है, यहाँ पे जैसे डॉक्टर हक साहब ने कहा, जब तक बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तब तक ये कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है। नहीं, लेकिन तो ये बताइए, एक पॉइंट में बीच में आपसे पूछ रहा हूँ, आपने तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी भी समीक्षाएं आपने की है उनकी पॉलिसी को लेकर भी, ये बताइए कि जो हमारा जो आईसीआर का जो हमारा या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो क्या करता है अगर वो किसानों को ये नहीं समझा पा रहा है कि आपको वैरायटी बदलनी चाहिए, आपको नए बीज लेके आने चाहिए। और हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं, वैसे तो आजकल पॉलिटिकल सिस्टम में ये जुमला होता है कि 70 साल से ये नहीं हुआ, आपने भी बताया कि 50 साल से सेन कमेटी बनी और वो प्रॉब्लम जो की त्यों है, तो ये यहां भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं किसानों को अवेयर कर पाते और ये हमारा एक्सटेंशन कोलैप्स हो गया। ठीक है, ये जो ऐसा ना, ये जिम्मेदारियां, अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं डिफरेंट साइलोज में जो जिम्मेदारियां हैं उसका मुख्य कारण है। अब जैसे आपने केवीके का एग्जांपल लिया, केवीके का मैंडेट ये नहीं कि वो हर किसान के पास जाके अपनी तकनीकी को आगे को बढ़ाएं, उनका अपना एक मैंडेट है, उनका एक दायरा है, बाकी जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास चला जाता है। तो ये जिम्मेदारियां हैं, चाहे आईसीआर की है चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की, वो जिम्मेदारियां अलग अलग साइलोज में है। जब तक ये जिम्मेदारी एक सेंट्रलाइज नहीं होगी, कंसोलिडेटेड नहीं होगी, तब तक आगे को कुछ नहीं हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमने एनालिसिस किया, उससे जितना उनका मैंडेट, जितना उनका दायरा है, उसमें अगर एक डिमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं तो वो 10 लोगों को उसका फायदा होता है, लेकिन वो सब जगह तो लगा नहीं सकते, पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आगे ले जाने का काम स्टेट डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन उनमें आपस में सही तालमेल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से बटी बधी हुई हो, उसका उसकी वजह से ये एडॉप्शन में प्रोग्रेस आ सकती है, नंबर वन। दूसरा, जो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं पॉलिसी की बात कर रहा था, जो पॉलिसी जो है ना राइस व्हीट सेंट्रिक रही, राइस व्हीट या एक सुगर केन भी उसमें, राइस व्हीट सुगर केन सेंट्रिक रही। तो जैसे ही इरिगेशन आता है वो राइस व्हीट सुगर केन की ओर हम लोग मूव करने लगते हैं, जिसकी और हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है और कमोडिटीज में, जैसे हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है, पोल्ट्री का बहुत स्कोप है, डेयरी सेक्टर का बहुत स्कोप है। अब ये जो पूरा ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे स्मॉल रूमिनेंट का बहुत स्कोप है, ये तो स्मॉल रूमिनेंट का हब बन सकता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन रेट स्मॉल रूमिनेंट का बहुत होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे बल्क बायर्स हैं, बिग रिटेलर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात की जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फार्मर प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की जाए, और जो अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी 3 जो हमारे अभी अमेंडमेंट हुए, नए ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाई है, इसका फायदा उठाना चाहिए अब सभी ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम किसानों को भी संगठित नहीं करेंगे। छोटे 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 किसान हैं, उनका मार्केटेबल सरप्लस बहुत कम है, हमने मार्केटिंग की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया, अब हम मार्केटिंग की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो छोटे छोटे किसानों को संगठित करना, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी है, उनको लिंक करना है किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ। जो मैं मार्केटिंग वाले पक्ष पे एक बार फिर आऊंगा, ये साहब ये बताइए कि जैसे जोशी जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारा पोटेंशियल वहां पे है, एक मैं ये कहूँ, ये जो हम लोग अचानक पिछले कुछ बरसों से बात करने लगे कि ईस्टर्न इंडिया में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना है, ये जो उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत में जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है कि भाई धान पैदा होता है तो वाटर गजलिंग क्रॉप है, उससे ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट होते जा रहे हैं और बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैनिक रिएक्शन हो कोई, या कोई सोची समझी रणनीति तो अभी दिख नहीं रही है। अगर आपको ये था कि आपको फूड ग्रेन क्रॉप को ईस्टर्न इंडिया में ले जाना है, तो जैसे कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा किया नहीं मार्केटिंग का, ना वहां पे प्रोक्यूरमेंट होता है, ना वहां पे स्टोरेज फैसिलिटी है, ना वहां से उस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई लिंकेजेस है प्रॉपरली। तो ये सिर्फ इसलिए कि पानी का लेवल यहां नीचे जा रहा है तो धान को पंजाब हरियाणा से शिफ्ट करके आप उधर ले जाओ, या कोई सोची समझी या कोई दीर्घकालिक रणनीति दिखती है आपको, या आधा अधूरा प्रयास है? नहीं, आधा अधूरा है बेसिकली, दीर्घकालीन क्यों ऐसा होगा, लेकिन देखिए बिहार का ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने पिछले 8-10 साल में काफी तरक्की भी की एग्रीकल्चर में जी। आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, हाँ। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, बिल्कुल प्रोक्योरमेंट जो पॉलिसी है उनमें काफी बदलाव हुआ है वहां, और प्रोक्योरमेंट अगर अच्छा होता है पैडी व्हीट दोनों का, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पैडी का खास करके बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट होता है, और जिसका इम्पैक्ट भी है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में भी अगर आप रिसेंटली देखें तो। लेकिन हम करते क्या है कि टिट्स बिट्स में एक चीज कर लेते हैं और एक इंटीग्रेटेड वे में जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो नहीं हो पाता। इफेक्ट होता है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का जो इंटरैक्शन इफेक्ट है डिफरेंट वेरिएबल्स का, उसका हम मैक्सिमाइज करके उसका फायदा नहीं उठा पाते। इसका कारण यही है कि हम इंटीग्रेटेड वे में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते,
एक चीज में आज फोकस है तो उसी को कर लिया, दूसरे चीज सब भूल गए, तो फिर क्या होता है कि एक साइड फिर आपका नीचे पीछे चला जाता है, तो फिर मैक्सिमम इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हो नहीं पाता। तीसरी बात यह है कि खास करके ये नहीं मैं कहूंगा कि बिहार में फोकस नहीं हुआ, बिहार में भी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। अब जैसे एवरेज इनकम का ही फिगर आप देखें, चाहे नबार्ड का स्टडी का देखें या एनएसएसओ का देखें, तो एनएसएसओ का तो बिहार है, उड़ीसा है, आपका यूपी भी उसी में आता है, 5,000 से नीचे वाले रेंज पे हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड इनकम मंथली इनकम जो है, और जबकि आपका 17,000 के आसपास पंजाब का है। तो पंजाब और बिहार में अगर या उड़ीसा में या इवन यूपी में भी अगर डिफरेंस देगा एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और उसका मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को रीजन स्पेसिफिक डायग्नोस करके प्रॉब्लम्स को उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा। और सोल्यूशन आएगा टेक्नोलॉजी से, सोल्यूशन आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, सोल्यूशन आएगा क्रेडिट से, मार्केट से, इंश्योरेंस से, ये सारे पॉलिसीज का अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन जी हो। दो चीजें मैं जोशी जी आपसे कहूंगा बहुत संक्षेप में। एक तो क्या ऐसा वक्त आ गया कि अब हमें फसल के आधार पर रीजनल मैपिंग करनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप देश के किस हिस्से में उगाई जाए, क्यों उगाई जाए, और फिर उसका पूरा एक इंटीग्रेटेड एक स्ट्रक्चर हो यील्ड बढ़ाने के लिए, फार्मर को ठीक से सीड देने के लिए और प्रोक्यूरमेंट तक उसको दाम मिले, तो ये पूरा सिस्टम डेवलप करने का वक्त आ गया है। और दूसरे जैसे आपने अभी बात की जो सरकार कानून लाई है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तालमेल की जरूरत है, बिना राज्य सरकारों की ज्यादा भूमिका के ये संभव नहीं हो पाएगा, और दूसरी तरफ ये एक यूनिलेटरल भी है क्योंकि राज्य कह रहे हैं कि हमसे आप बात ही नहीं कर रहे, इतने बड़े बड़े डिसीजन आपने ले लिए मार्केटिंग रिफॉर्म्स के, हमें कहीं उसमें शामिल ही नहीं किया। तो ये दो चीजों पे आप बताइए मुझे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जैसे ही हम इस बात करते हैं, हमारा माइंडसेट जो है ना अब तक राइस वीट से नहीं बाहर जा रहा है। जैसे ही सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं वहां राइस और वीट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि एग्रो इको रीजन बेस्ड जो क्रॉप प्लानिंग, जो डॉक्टर हक साहब ने शुरू में ही कहा, एग्रो इको रीजन बेस्ड प्लानिंग जब तक नहीं करेंगे हम और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तब तक हर जोन का विकास नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जोशी जी, समय लगभग बहुत कम है हमारे पास, मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा हक साहब, ये आधी अधूरी तैयारी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो हमारी खाद्य सुरक्षा है उसी को दांव पे लगा देगी? छोटा सा कमेंट। कभी कभी हो सकता है रिस्क, अगर आप ढंग से केयरफुली चीजों को ना करें तो दिक्कत हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे कह रहे हैं कि पंजाब में प्रोक्योर ही ना करो, कई सजेशन था, आपने देखा होगा जो कमेटी थी फूड मिनिस्ट्री का जिसमें काफी सीनियर लोग उसमें इन्वॉल्व थे कि भाई प्रोक्योरमेंट पंजाब में नहीं करो, बिहार में करो। अब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि बिहार को पहले आप तैयार करें नहीं इसका रिसोर्स बेस या प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का बेस, और इसको भी हटा दे और वो इंसेंटिव नहीं होगा फार्मर्स को तो प्रोड्यूस करना बंद कर दे रहा है। ये जरूरी है कि जैसे पैडी का लोग कहते हैं कि पैडी इज सस्टेनेबल नहीं है पंजाब में, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है तो पैडी का सब्स्टिट्यूट जो एरिया तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, ईस्टर्न इंडिया में पोटेंशियल है। सो इसी नोट पे मैं हक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप आए और बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो कुल मिलाकर जरूरत है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है हमारा कृषि क्षेत्र में देश के अलग अलग हिस्सों में, उसको दूर करने की तो जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें पुख्ता रणनीति बना करके काम करना चाहिए, उसी तरीके के जो उसके जितने भी पक्ष हैं, जो कंपोनेंट हैं, उनको सब पे काम एक साथ करना पड़ेगा। अगर आधे अधूरे प्रयास से हम लोग ये काम शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग फिर वही 60 के दशक में कि हम शिप टू माउथ, यानी कि हमें अपने लोगों की भूख मिटाने के लिए अनाज आयात ना करना पड़ जाए, और ये पिछले दो दशकों पे जो है दो बार हो भी चुका जब हमें गेहूं का आयात करना पड़ा एक सूखा पड़ने के बाद ही। तो मेरे ख्याल से पूरा एक संतुलित रवैया सरकार को अपनाना चाहिए इसके ऊपर। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनको हमने कोशिश की है कि पूरे मसले को उनके सामने रखें, जानकारी दें। एक बार फिर हम मिलेंगे हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे के ऊपर। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।